Your questions, their answers. Dialogue at Nation Next. पिंकी मुझे बताइए कि अभी रेड लाइट एरिया में किस तरीके का बदलाव आपको महसूस होता है जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन माना गया है? यहाँ पर तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है, जो सबको ऑर्डर मिला गया है सभी की बस्ती जो चालू हुई है, हमारी बस्ती में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले था वैसा ही है अभी भी। क्या वजह हो सकती है उसकी? ये तो नहीं पता हमें, लेकिन एक बात ये है कि अगर वो लोग ये चाहते हैं कि हम ये बस्ती छोड़ दें या हम कहीं चले जाए, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ना तो हम ये बस्ती छोड़ कर जाएँगे, ना अपनी ये जो है प्रॉपर्टी है ये अपनी सबकी अपनी अपनी है। यहाँ पर सब टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, सबकी अपनी अपनी रजिस्ट्री है, ये अपने सबके खुद के मकान हैं। तो अगर उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब छोड़ कर चले जाए, तो वो तो कभी होगा नहीं। और रही बात एक साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी फ़ीस, अभी भी हमने सबने कर्जा निकाला, किसी ने अपनी चीज़ें गिरवी रखी, एक साल में इतनी परेशानी आई है कि शायद ही कभी नहीं देखी ऐसी। और मुझे बताइए कि अभी अगर मैं आपसे आज एक सवाल पूछूं कि आपकी ज़िंदगी आज कैसी है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत ख़राब है, जो नहीं होना चाहिए उससे भी ज़्यादा ख़राब है। आज की ऐसी हमारी हालत है कि हमारे बच्चे जब चॉकलेट के लिए रोते हैं तो उनको दिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, ऐसा हाल है आज हमारा। आप पुलिस बंदोबस्त के बारे में क्या कहना है? जैसे ज्वाला धोटी ने भी कहा है कि यहाँ पे अगर कुछ लोग आते हैं, आपके जो क्लाइंट्स जो भी आते हैं उनको हटा देते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और जैसा दिखता है वो सबको दिख ही तो रहा है ना कि यहाँ पर कैसा क्या है। आप भी आए तो आपने भी चारों तरफ देखा ही होगा, जो पहले था वही अभी भी है। तो क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हमारी बस्ती जैसे पहले थी वैसी चालू की जाए, हमारी बस यही मांग है। नेशन नेक्स्ट, न्यूज़ हब फॉर न्यू इंडिया।